नमस्कार, मैं अनुराग। आप देख रहे हैं विभाग बात। इस समय मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम साहब हमारे साथ में। गिरीश जी, आपको एक तो बधाई, आप मध्य प्रदेश विधानसभा का कार्यभार संभाल रहे हैं। कोरोना काल में एक तो सत्र बुलाना इस समय बड़ा टफ जॉब माना जा रहा है। नहीं, थोड़ा सा कोरोना तो जो ये दूसरी फेज थी इसकी लहर कम हुई, उसके कारण थोड़ा आसान हो गया। लोकसभा भी बुलाई गई ना 19 तारीख से, तो उस परिप्रेक्ष्य में देखें तो उसी दृष्टिकोण से ये हुआ कि अपने को जो वर्षाकालीन सत्र होता है इसको बुलाया जाना चाहिए। गवर्नर साहब ने आदेश कर दिया, बुला ली गई, पर अभी कोरोना थोड़ा सा ठीक है। आपके लिए सदन का तजुर्बा तो बड़ा लंबा है, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठकर काम करने का तजुर्बा आपको अब हो रहा है? राजनीति में काम करने के बाद, जैसे कभी कभी आप देखते होंगे किसी दल की सरकार बनती है तो पहली बार ही कोई मुख्यमंत्री होता है, तो अब ये कहेंगे कि साहब कभी मुख्यमंत्री बनने का उसको मौका नहीं मिला, कैसे तजुर्बा होगा, पर बहुत बेहतर काम करते हैं, बहुत लोग करते हैं। तो उसी तरह से इसको भी उस दृष्टिकोण देखिएगा कि 17-18 साल से विधानसभा में था तो कई स्पीकर्स को देखा, रोहाणी जी को देखा, सीतासरण जी को देखा, प्रजापति जी को देखा, तो ऐसा नहीं कि अनुभव का जो स्पीकर की जो भूमिका होती उसको लगातार देखने का अवसर हुआ। तो कहने को तो जरूर है कि पहली बार, तो कभी कभी तो पहली बार होना ही पड़ेगा ना, पर मुझे ऐसा नहीं लगा कि उस आसंदी में बैठने के बाद कोई संचालन में सुविधा हुई हो, ऐसा मुझे नहीं लगा। अच्छा, अभी एक नए प्रयोगों के लिए भी आपकी बड़ी चर्चा है कि विधानसभा के अंदर पहली बार कुछ ऐसे प्रयोग किए जा रहे हैं। आपने तमाम सारे ऐसे शब्द चयनित किए हैं कि इनका उपयोग विधानसभा की कार्रवाई में नहीं होना चाहिए, क्योंकि सामान्य तौर पर उस तरह के जो शब्द हैं वो विलोपित कर दिए जाते हैं बाद में। कई बार जो सदस्य है वो दो तीन कारणों से, एक तो कभी कभी आवेश में आता है, कभी उसको आक्रोश पैदा होता है, कभी क्रोध में रहता है, और कभी कभी वो जो आप लोगों के हिसाब से क्या कहलाती है, TRP जिसको कहते हैं, उससे भी कई बार उसको लगता है कि हम इस तरह के शब्दों का प्रयोग करेंगे तो आप ज़्यादा उसको पकड़ेंगे, ज़्यादा कवरेज करेंगे, इसलिए उसमें वो उन शब्दों का चयन करता है या बोलता है उनको, जिसको हम अमर्यादित कहते हैं, और जब संसदीय उसमें आते हैं तो असंसदीय कहते हैं। इसलिए हमने ये प्रयास किया कि ऐसे शब्दों का प्रचलन ही बंद कर दिया जाए। तो उसके लिए अभी तक होता ये था कि जब वो विधानसभा में कोई शब्द आता था बोलने के बाद तो या तो हमारे ध्यान में गया कि गड़बड़ हो गया, तो उसको विलोपित करने का आदेश करता हूँ। कई बार जैसे मान लीजिए कोई दूसरी चीज़ देख रहा हूँ, वो नहीं ध्यान में आया कि कोई बात निकल गई, तो कोई सदस्य उठाता उस बात को कि साहब ये विलोपित कराइए, ये गड़बड़ शब्द आ गया, तो उसको आदेश करना पड़ता है कि विलोपित किया जाए। अब जो ये सूची मैंने बनाई या बनवा रहे हैं, ये 200 शब्दों से ऊपर के आसपास है ये, तो इन शब्दों को पहले से ही हमारे पास फीडबैक रहेगा नीचे स्तर पर, जैसे उस शब्द आएगा हमारा ध्यान जाए या नहीं जाए उनको तत्काल विलोपित कर दिया जाएगा, विलोपित माना ही जाएगा, उनको किसी तरह से नोटिशन भी नहीं आएगा। हाँ, नोटिस में नहीं आएगा। ये एक बहुत शानदार पहल है, मुझे लगता है लोकसभा में भी राज्यसभा में भी इस तरह की एक गाइडलाइन तैयार है। हाँ, सूची है ना उनके यहाँ, वो भी सूची मैंने बुलवाई है, और उसी को देख करके वो चूँकि वो पूरे देश की है, तो तमिल भाषा का है, कन्नड़ का है, तमाम सारे हर जगह अलग अलग शब्द होते हैं, तो वो देश के पैमाने पर हमने हिंदी भाषी क्षेत्र के जो भी शब्द अमर्यादित होते होंगे उनको असंसदीय मान करके उनको हमारे यहाँ अलग अलग बोलियाँ, आप विंध्य से आते हैं तो वहाँ सामान्य तौर पर लोग बघेली बोलते हैं, बघेली बोलते हैं, रिवही बोलते हैं, रिवही बोलते हैं, फिर मालवा में मालवी बोलते हैं, बुंदेलखंड में बुंदेलखंडी बोलते हैं, तो वहाँ के शब्दों का भी इसमें चयन किया गया, सबका किया गया, जो भी शब्द हो सकते हैं। अच्छा, ज़्यादातर वो शब्द लोकल जो बोली है, बोली के आधार पर वो नहीं है, जब यहाँ तो खड़ी हिंदी का प्रयोग करते हैं लोग, जैसे खड़ी हिंदी में आते हैं तो भाषा में आ जाते हैं, तो जो भाषा जब वो प्रयोग करते हैं हिंदी का, उसमें जो हमारे आदि शब्द हैं उनका जो उपयोग करते हैं उसे हम असंसदीय मानकर उसको हटाने का काम, क्योंकि कई बार देखा गया है कि जो बोलियां हैं या लोकाचार की जो भाषा है उसमें भी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अमर्यादित होते हैं और मुहावरों की तरह लोग उसका प्रयोग कर लेते हैं सदन में। नहीं, कई जगह है ना, इसीलिए उन्हीं को तो हटाने का प्रयास कर रहा हूँ, उन्हीं को चयन करके उनको देखना। अच्छा, ऐसा नहीं कि कोई अंतिम हमने पुस्तक जारी कर दी है, प्रयास ये करेंगे कि इस तरह की जैसे कोई नए शब्द आए, नई बात आई जो संसदीय दिखाई पड़ी हो, उनको लगातार उसमें जोड़ने का, ये तो एक प्रारंभ करो ऐसा करके कि कुछ न कहीं ना कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा, 100 शब्द मिलते हो, 200 मिलते हो, वहाँ से शुरू करो, फिर आगे जो बढ़ेगा उसको बढ़ाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद गिरीश गौतम साहब ने एक नई शुरुआत की, इसके साथ एक शुरुआत आपने और की है कि जो नए विधायक हैं उनको प्रश्न पूछने का मौका मिले। वो इसलिए मेरे मन में आया कि
कई बार होता है कि जो प्रश्नकाल है एक घंटे का, जिसमें मौखिक प्रश्न आते हैं, जिसे पूरा पूछने का अवसर मिलता है, तो उसमें वो अपने हाथ में नहीं होता, पूरा आतारांकित हम लोग लगाते हैं और लगाने के बाद वो लॉटरी निकलती है, 25 लॉटरी में आते हैं, उन्हीं को मौखिक पूछने का मौका मिलता है। अब जब वो मौखिक पूछता है तो उसमें से भी 10-12 सवाल चर्चा में आ पाते हैं। हाँ, अब कई कई बार ऐसा होता है कि उसमें से नए का कम आता है, कई बार वो भाग्य से लॉटरी वाला है या आ भी गया नए का, तो नया का जब आ जाता है तो बाकी जो हमारे सीनियर विधायक हैं वो उसके पहले ही प्रश्न पूछते हुए ही वो अगल बगल से खड़े होकर के अपना प्रश्न पूछना शुरू कर देते हैं और वो नया होने के नाते दब जाता है। तो मेरे ध्यान में आया कि क्यों नहीं एक बार ऐसा प्रयास किया जाए कि नए के अलावा दूसरा नहीं, तो जितने प्रश्न आए उन प्रश्नों को सबको पुराने को छांट दिया, एक तरफ कर दिया और एक दिन केवल नए विधायकों के लिए ही प्रश्नकाल रखा। अच्छा, जब आप पहली बार विधायक बने थे तब आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ कि आप पूछना चाहते हो कोई सवाल और जो सीनियर विधायक हैं उन लोगों ने उस सवाल को पूछने से रोक दिया हो या वो सवाल दब रोकते नहीं है या सवाल दब गया? रोकना तो नहीं कहेंगे अपन, वो अपना प्रश्न खड़ा कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बात हमने पूछी तो उसको ये प्रयास करते हैं कि हमारा प्रश्न बन करके या हमारा वो चला जाए, इसीलिए होते हैं। हमारे साथ दिक्कत इसलिए नहीं आई कि विधानसभा के भीतर नहीं थे, पर फिर भी एक तरह से ये कहना चाहिए कि अनुभव था, एक तो वकालत करते थे, उसी दृष्टिकोण से मेरे सामने ये समस्या नहीं आई। एक चीज़ और, जब शब्दों के चयन की बारी आई आपके लिए भी कि अमर्यादित और असंसदीय शब्द ना बोले जाए, तो ये तो जवाबदारी कहीं जो पार्टियां हैं राजनीतिक दल हैं उनकी भी बनती है कि अपने विधायकों को अपने नेताओं को कम से कम इस तरह की शिक्षा दें। स्वाभाविक है, सारे दलों को, भारतीय जनता पार्टी में तो होता है उनके प्रशिक्षण प्रबोधन कार्यक्रम प्रबोधन होता है, प्रशिक्षण वर्ग होते हैं, उनमें तमाम सारी बातें होती हैं, आचरण के संबंध में बताया जाता है। दूसरे दलों में क्या होता मैं जानता नहीं, पर चूंकि भारतीय जनता पार्टी का मैं हूँ, वहीं से आया हूँ, तो मैं उसके विषय में जानता हूँ। वहाँ इसमें खास जोर दिया जाता है आचरण के बारे में, व्यवहार के बारे में, इसके बारे में खास तौर पर प्रबोधन होता है। और कई बार होता है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी में एक संगठन की तरह काम करने वाले लोग होते हैं, तो वहाँ इसका कि किसकी पर्सनालिटी कल्ट ज़्यादा हो जाएगा इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरे दलों में शायद ये नहीं, वहाँ पर्सनालिटी कल्ट के आधार पर ही राजनीति चलती है, इसलिए उसको लगता है कि किसी आदमी को हमको खुद से अपने ऊपर बढ़ना पड़ेगा। पार्टी है तो उनका संचालन का तरीका भी अलग है, सब कुछ दूसरा होता है। और जो पर्सनल बेस्ड पर्सनल कल्ट पर बेस्ड जो पार्टियां हैं उनका दूसरी तरह का आचरण होगा, वहाँ इस तरह के प्रबोधन, और यदि प्रबोधन हुआ भी तो जो समाचार देखते हैं तो उनके प्रबोधन कार्यकाल में जूता बाजार के अलावा कुछ दिखाई पड़ता नहीं। अभी भी आपने 3 दिन पहले भी देखा होगा कि लोकसभा में कागज लेके फाड़ दिए मंत्री जी से, और कई बार मारापीटी तक की घटनाएं हो जाती हैं। अब वो ये भी देख लीजिए ना कि कौन लोग हैं, वो भी देखना पड़ेगा। जब मैं कह रहा हूँ कि अलग अलग है दोनों पार्टियों के क्या हो सकते हैं। अच्छा, अब एक बार इसी में आपसे कहना चाहता हूँ, चूँकि लोकसभा की बात आपने उठाई, हमारे यहाँ एक पत्र आया था कि लक्ष्मण सिंह जी ने लिखा था कि एक तो विधायकों को कम समय मिला प्रश्न पूछने का और दूसरा छोटा कर दिया कांग्रेस की तरफ से, बार सत्र छोटा है। तो लोकसभा आपके सामने उदाहरण है, दिन के आधार पर हमको तय करना या काम के घंटे के आधार पर तय करना। हमने 25 दिन की लोकसभा चलाई, 19 तारीख से नहीं चल रही है, तो इसका मतलब कि केवल तारीख गिनती के लिए हमने दिन कर दिया, 25 दिन हमने कर दिया। अब 25 दिन लोकसभा विधानसभा नहीं चली तो दिन का क्या लेना देना, हंगामा। यदि 4 दिन भी हमने चलाई तो मैंने कहा है लोगों से, उनसे भी कहा है, आइए सब मिल करके बैठ के काम करिए। यदि 4 दिन का ही है, सही 3 दिन मान लीजिए हमारे पास, तो 3 दिन में 18 घंटे होते हैं, 18 घंटे को हम 40 घंटे क्यों नहीं कर सकते, हम 12 बजे रात तक बैठने को तैयार हैं। गिरीश जी, एक चीज़ और देखने में आई है कि ये कुछ प्रवृत्ति में बदलाव हुआ है, जो भी है बहस से बचने लगे हैं, कभी पक्ष के लोग कभी विपक्ष के लोग, जबकि आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं आपकी भी इच्छा होती होगी कि शानदार बहस हो, मुद्दों का निराकरण हो, विधानसभा इसी के लिए है। नहीं, उसमें 2 कारण हैं। एक तो कारण सबसे बड़ा उसमें ये है कि जो अपन ये कह सकते हैं कि जैसे प्रश्न आपने पूछा तो प्रश्नों की जो ताकत होती है बहुत ज़बरदस्त, वही सबसे बड़ा अस्त्र विधायक के पास है। प्रश्न के आधार पर एक तो अपना स्वयं का वो डेवलपमेंट करता है, पर्सनालिटी को डेवलप करता है विधानसभा में पूछे गए तरीके से, वो भी होता है। दूसरा ये होता है कि वो कितना पॉइंटेड, कितना सार्प तरीके से पूरक पूछता है, सप्लीमेंट का बड़ा महत्व होता है विधानसभा मौखिक प्रश्नों में, सप्लीमेंट का बड़ा महत्व होता है। सप्लीमेंट के पूछने के उसके तरीके क्या हैं,
तो वो भी एक माने रखता है। अच्छा, आवश्यक नहीं है कि हम कोई चीज़, जैसे मान लीजिए व्यंग में हम कोई चीज़ आना चाहते हैं तो जरूरी कि हम गाली दे करके करें, व्यंग के बहुत सारे शब्द हैं। सदन में शानदार शेर शायरी होती है, कविताएं होती हैं। अच्छा, व्यंग भी बहुत जबरदस्त होता है, पुराने नेताओं की वक्तव्य उद्धृत किए जाते हैं, तो वो करने की तो जो एक अध्ययन की जो प्रवृत्ति है वो शायद थोड़ा सा कम हुई, मुझे ऐसा लगता है वो कम हुई है, इसीलिए अब हमारी लाइब्रेरी में कोई जाता नहीं है, बहुत कम लोग जाते, बहुत कम विधायक। आप कोशिश कर रहे हैं कि लाइब्रेरी ई लाइब्रेरी में तब्दील हो जाए? हाँ, हो रही है, वो कर रहे हैं, अपन प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, उसका एक कारण यह अध्ययनशीलता की कमी इसलिए भी आ गई कि अब तो विधायकों की व्यस्तता बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक उसके क्षेत्र में एक बल्ब भी बदलना है, सड़क का, स्ट्रीट लाइट का, तो शायद जनता विधायक से अपेक्षा करती है वही आकर के हमारा काम करे, अधिकारियों को कहे और बल्ब हमारा बदलवा दे, अपेक्षा यहाँ तक चली गई है। उसके दो कारण लगते हैं मुझे, आप जननेता हैं, आप चुनाव जीत के आते हैं, मुझे दो कारण लगते हैं। एक तो कहीं सिस्टम में कमी का होना कि जिस व्यक्ति को बल्ब बदलना चाहिए वो नहीं बदलता है, या ये होता है कि मेरी पहुंच ऊपर तक है ये बताने की कोशिश, दो कारण लगते हैं इसके? नहीं, उसका कारण वो दो कारण नहीं है कि जैसे हम हैं तो नगर पंचायत है तो वहाँ भी जीता हुआ अध्यक्ष है, काम उन्हीं का है, वो अध्यक्ष है ना, वो आई वो भी जनप्रतिनिधि है, पंचायत है सरपंच वो भी जीता हुआ है, जिला पंचायत वो भी जीता हुआ, जनपद वाला वो भी जीता हुआ, सारे जीते हुए ही प्रतिनिधि हैं। वो सिर्फ फर्क ये पड़ता है कि जो अधिकारियों का एक प्रशासनिक जो व्यवस्था के लोग हैं उन पर विधायक का ज़्यादा असर पड़ता है, जनता का परसेप्शन ये है कि सरपंच को इवाइट करेगा वो, जिला पंचायत सदस्य को इवाइट करेगा, पर विधायक को इवाइट नहीं कर सकता, इसलिए वो उनका भरोसा ये हो गया कि नहीं विधायक के पास को बोल दिया तो हो ही जाए। तो अब जब विधायक के पास जाना तो काम का लोड अपने आप हो गया, तो बड़े बड़े कामों की तरफ उसका ध्यान थोड़ा बढ़ता है, जैसे उसे सड़क मांगनी, बड़ी सड़क मांगनी, सिंचाई योजना मांगना, स्वास्थ्य के लिए मांगना, शिक्षा के लिए मांगना, इसके लिए मांगने की जगह वो बल्ब बदलवाने में, नाली बनवाने में, सड़क बनवाने में व्यस्त हो जाता है, तो ये थोड़ा सा दिक्कत है। गिरीश गौतम जी से हम बातचीत कर रहे हैं और बहुत साफ गोई से वो बता रहे हैं कि किस तरीके से वो काम करेंगे, किस तरीके से उन्होंने अमर्यादित शब्दों को का एक संचय करवाया है कि विधानसभा की कार्रवाई में वो शामिल नहीं होंगे, और जो आचरण है विधायकों का वो बहुत साफ सुथरा होना चाहिए। गिरीश गौतम साहब से बातचीत के इस दौर को हम जारी रखेंगे, फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ऋषि, ये पंडित जी क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि मुझे तुम्हें जिंदगी के सभी खतरों से बचाना है। फिर तो मेरे लिए खतरे में, क्योंकि जो कॉकरोच से डर जाए वो मेरी क्या रक्षा करेगा? वेल, कॉकरोच छोड़कर तुम्हारी पूरी लाइफ एकदम सिक्योर है। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में, फॉरएवर वाले रिलेशनशिप से पहले LIC। विभाग बाद में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे साथ मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम साहब हैं। आपका लंबा राजनीतिक अनुभव है, छात्र जीवन से आप राजनीति से जुड़ गए और धीरे धीरे मध्य प्रदेश की विधानसभा तक पहुंचे और उसके बाद लोकतंत्र का मंदिर माने जाने वाले विधानसभा मध्य प्रदेश के आप अध्यक्ष हैं। गिरीश जी, छात्र राजनीति के समय कभी सोचा था कि मैं सक्रिय होऊंगा, विधायक बनूंगा या विधानसभा अध्यक्ष बनूंगा? नहीं, निश्चित तौर पर यदि छात्र राजनीति में आया तो यही सोच के आया था। अच्छा, तब की छात्रनीति राजनीति भी जो वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था इसी तरह से होती थी, ओपन चुनाव होता था, सिद्धांतों पर आधारित होती थी, तब सिद्धांतों पर ओपन चुनाव होता था, वहाँ भी जो छात्र जो चुनाव लड़ता था या जो लड़ना चाहता था उसको, अच्छा वो एक तो पढ़े लिखे लोगों का था, BSc MSc वाले का या BA MA वाले का, वो कैटेगरी थी वोटर की, ऐसा तो नहीं कहूँ कि अंगूठा छाप कोई था, तो उनके बीच में एक जो भाषण की जो प्रतियोगिता होती थी बहुत ज़बरदस्त होती थी, और कई बार तो जो विद्यार्थी थे जो वोट इसी आधार पर करते थे कि ये नेता बहुत अच्छा बोलता है, डिबेट डिपेंड करती थी उस समय कि ये नेता है, हाँ ये नेता है, वो तय करता था उसके आधार, क्योंकि दल का था तो नहीं, दलीय आधार पर नहीं कि इस संस्था से जुड़े, इस पार्टी से जुड़े, इसका वोट नहीं पड़ता था, वहाँ पर कौन बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है उसके आधार पर वोट पड़ता था। तो स्वाभाविक है, जब वो छात्र राजनीति में मैंने चुनाव लड़ना शुरू किया, पहला चुनाव 1972 में लड़ा, TRS कॉलेज में चुनाव लड़ा, फिर इसके बाद 1974 में नगर पालिका का लड़ा, फिर 1980 में विधानसभा का लड़ा, फिर 85 में विधानसभा का लड़ा, 93 विधानसभा लड़ा, 98 लड़ा, अभी 2003 8 13 18 हुआ,
तो ये जब कई बार आप इस बीच में चुनाव हारे, चार चुनाव आप हारे, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। हाँ, लगे रहना चाहिए। अच्छा, वो हौसला अफजाई इसलिए होती रही कि हर बार के चुनाव में मेरा वोट बढ़ता रहा। जैसे एक इस बार लड़ गए 80 में लड़ गए तो 10,000 मिल गया, 85 में लड़ गए तो 14,000 मिल गया, 93 में लड़ गए तो 19,000 मिल गया, 98 में लड़ गए तो 38,000 मिल गया। आपके जो चुनाव भी वो भी दिग्गजों के खिलाफ होते थे? हाँ, तीन बार तो। अब शुरू में जब 26-27 साल का था जब पहला चुनाव लड़ा, तब तो कौन दिग्गज है कौन नहीं इससे कुछ लेना देना नहीं था। बाद में जब मनगवा लड़ने आया तो पहली बार तो जब 85 में हारा चुनाव तो चंपा देवी जीती थी, कांग्रेस की थी, वो बहुत वृद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी, तो उनका पूरा परिवार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी था। बाद में 93 से पंडित श्रीनिवास तिवारी से भिड़न से होगी, तब अंदाजा लगा लिया। वो भी बड़े नेता थे? बड़े नेता थे, प्रदेश के नेता, मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए। हाँ, उस समय जब पहली बार उनसे लड़ा, डिप्टी स्पीकर थे उस समय, 1900 हमसे ही जीतने के बाद स्पीकर बन गए। तब तीन बार चुनाव तो उसे स्पीकर की हैसियत से लड़ना पड़ा, तो स्वाभाविक है कि प्रदेश के दिग्विजय सिंह के बाद का कोई नेता गिना जाता था तो वो श्रीनिवास तिवारी को गिना जाता। और उनको हराया जाना, ऐसा लोग कहते थे हमारे यहाँ, वो प्रचलन में आ गया था कि दादा न हो दऊ वहीं वोट देवे तब वहीं, मतलब कि आप कुछ भी कर लो जीतना जीतना उनको है। उनके बारे में तो दिग्विजय सिंह जी भी ये कहते थे कि मैं जो हूँ 44 जिलों का मुख्यमंत्री हूँ और एक जिले के मुख्यमंत्री, रीवा में जाकर भाषण करते थे। ठीक बात है, करते थे, उनको सम्मान देते थे, उनका काम, उनका दल ही काम है। किसको सम्मान देना ये मुख्यमंत्री का काम, किसको ताकतवर बनाना ये मुख्यमंत्री का काम, किस क्षेत्र को किसको देना ये सब उनका काम, वो ठीक करते थे। एक एक सवाल और था, श्रीनिवास तिवारी जी 68 साल की आयु में विधानसभा के अध्यक्ष बने और आप भी? हाँ, संयोग है, संयोग है, 68 साल में वो बने, 68 साल का मैं, तो मैं भी बन गया, तब इसको संयोग कहे ऐसा का। उनको आपने बड़े मार्जिन से उस समय हराए? हाँ, 29,000 वोट से हारे थे वो, उस समय हारे थे। तो अब ये संयोग ही कह सकते हैं कि एक उम्र फिट हो गई। पर एक चीज़ मैं उनके बारे में भी कहना चाहता, तो हमेशा मैंने राजनीतिक मेरी प्रतिद्वंदिता रही है। विधानसभा में आपने याद किया होगा जब उनके शोक के लिए बोला जा रहा था तो मैंने एक लाइन का प्रयोग किया था कि उससे बड़ा राजनीतिक योद्धा कोई था नहीं, मैंने राजनीतिक योद्धा कहा था। अब कल्पना करिए 52-53-55 उस जमाने में जब लोग खासतौर पर समाजवादी पार्टी की तरफ से जब आंदोलन करते थे, सामंतशाही चरम सीमा पर थी, लाठियों से पीटे जाते थे, कहीं सभा नहीं होने दी जाती थी, उस समय राजनीति करने वालों में आज की राजनीति करने वालों में बड़ा फर्क है, जमीन आसमान। उस समय प्रताड़ना सह करके राजनीति करनी पड़ती थी, आज सुविधा के साथ राजनीति करनी पड़ती, कौन कितना सुविधा जुटा लेगा इसमें है। उस समय था कौन कितनी प्रताड़ना सह लेगा इसमें थी राजनीति, दोनों में बड़ा फर्क आया है। तो थे, अब ये जरूर है, कई बार मैं अपने को भी कहता हूँ, कई तमाम राजनीति करने वालों को भी कहता हूँ कि जब अपने को ऊर्जा प्राप्त हो, ताकत या क्षमता प्राप्त हो, तो उसका दो तरह से हम प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण देता हूँ, जैसे ये अब आप ये बिजली का देख रहे हो, बिजली चल रही है ना, तो कोई तार है ना इसमें, तार से करंट आता है, तब बढ़िया बनाओ तो बल्ब भी जला सकते हो और किसी को टच कर दो तो करंट देकर मार भी सकते हो। तो इसका उपयोग कैसे करना, उस तार में बहती हुई ऊर्जा को हमें कैसे प्रयोग करना, ये हमारे ऊपर है। हम तार लगा करके किसी को करंट लगाना चाहते हैं या तार को जोड़ करके प्रकाश देना चाहते हैं, और मेरी मान्यता ये है कि जो भी आदमी उसको प्रकाश के रूप में परिवर्तित करेगा, राजनीति की सफलता ये मानना चाहिए उसी के पक्ष। ये गिरीश गौतम साहब का बड़ा पॉजिटिव सोच है, और मुझे लगता है कि अभी आप जब विधायकों का ट्रेनिंग प्रोग्राम करेंगे तो अध्यक्ष होने के नाते उनको ऐसी कई सारी नसीहतें मिलेंगी और सीखने को भी मिलेगा। अब प्रबोधन का या सीखने का, प्रशिक्षण का ही मतलब है कि कुछ न कुछ सीखने के लिए बोलना, तो हम ही भर थोड़ी बोलेंगे तो बहुत सारे लोग आएंगे, मुख्यमंत्री जी रहेंगे, प्रयास ये कर रहे हैं कि सुमित्रा जी आ जाए, प्रयास कर रहा हूँ कि लोकसभा स्पीकर साहब आ जाए, दूसरा प्रयास उनको कर रहा हूँ कि हमारे जो स्पीकर साहब उत्तर प्रदेश के दीक्षित जी वो आ जाए, सब भेजा लोगों को जाकर बातचीत करो। आप एक बात तो आप कई बार कहते हैं और बड़ी रोचक बात है, गौतम साहब का कहना है कि नेता और अभिनेता में एक अंतर है कि वो रीटेक करते हैं और नेता को रीटेक करने का मौका नहीं मिलता। हाँ, ये कल कोई हो रहा था तो अचानक ध्यान में आया कि हम दोनों अभिनेता हैं, एक अभिनेता एक नेता बने, नेता तो दोनों है ना, एक अभी है एक में नेता बन, तो एक राजनेता हुआ एक अभिनेता हुआ, दोनों फर्क है ना, एक एक्टर, एक्टर तो दोनों, नेता बन तो दोनों। अब उसमें फर्क ये है कि उसमें कोई गड़बड़ हो जाए रीटेक है उसका, जब तक वो ठीक नहीं हो जाए तब तक उसको काट छाट करके ठीक करना उसको,
पर इसमें क्या रिटेक है, मंच से खड़े होकर के हमने कोई भाषा, जैसे वहाँ पर कोई मंच पे खड़ा होकर के गाली गलौज कर दिया और जनता ने सुन लिया, तो सुन लिया तो उसका रिटेक कहाँ है। इसलिए अपने को बचना कि हमारे सामने रिटेक की स्थिति नहीं है, इसलिए हमको हमेशा आचरण का व्यवहार ही करना चाहिए जिससे ये स्थिति ना आवे कि जनता के मन में कोई परसेप्शन हमारे विरुद्ध पैदा हो। और उसमें तो ठीक है, कोई बात हो भी गई तो कोई बात नहीं, काट करके दूसरा सीन ले लिया, दूसरा कैमरा फिट किया फिर ले लिया। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि दोनों है नेता, और उसमें रिटेक है, इसमें रिटेक नहीं। तो मुझे लगता है कि आप जो सारी बातें जो भी कर रहे हैं, चाहे अमर्यादित शब्दों से लेके और नेता अभिनेता का है, मूल बात चरित्र है कि व्यक्ति बहुत मर्यादित सादा जीवन, उच्च विचार वाली अगर थ्योरी पर चलता रहे तो उसको कोई समस्या का सामने ही नहीं करना पड़े। मैं इस पर भी विश्वास करता हूँ कि जो शब्द अपने को अच्छा नहीं लगता हो दूसरे के लिए उसको उपयोग नहीं करो। यदि वही शब्द हमको कोई कहे तो भले हम वो रिएक्ट ना कर पाओ, मैं अंदर से अपने को पीड़ा होती हो, लगता हो कि बहुत खराब शब्द हमारे लिए कहा गया, तो उसी शब्द को दूसरे के लिए प्रयोग क्यों करना। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जो शब्द पचा नहीं पा रहे हैं उसको हम दूसरे के ऊपर दें। और मुझे लगता है कि विधानसभा के अंदर भी सारा खेल शब्दों का है। नहीं, बहुत कुछ है, शब्दों का भी है, और उससे इसीलिए अभी जब मैं पुरस्कार की भी घोषणा करने जा रहा हूँ, पहले से चल रहा है, अभी वो कई सालों से बंद हो गया, इस वर्ष ही मैं पुरस्कार देने जा रहा हूँ, उत्कृष्ट विधायक का, उत्कृष्ट मंत्री का, उत्कृष्ट पत्रकार का, उत्कृष्ट आपके विधानसभा कर्मचारी का, उत्कृष्ट विधानसभा अधिकारी का, 5-5, 6-6 मैं वो देने जा रहा हूँ। तो विधायकों वाले में मैंने कहा है उसमें अपने को अंक का निर्धारण करना, जैसे हमने 60 कर दिया, 100 कर दिया, तो एक पार्ट जैसे विधानसभा में कोई विधायक बोलता है केवल वही क्राइटेरिया उसका नहीं होगा, बहुत अच्छा बोलता है, हो सकता है बहुत अच्छा बोलता हो, तो क्या 100 अंक का 100 दे देंगे हम? तो हमने कहा कि नहीं, ये नहीं करता अपने को, उसको थोड़ा सा डिवीजन करो, कई तरह की चीज़ों को देख करके ही उसका मूल्यांकन करना, उसका आचरण किस तरह का विधानसभा व्यवहार करता है, या वो किस तरह के प्रश्न लगाता है, उसके विधानसभा प्रस्तुतिकरण कैसे होते हैं, वो सामने वाले को कैसे किस तरह से वो इस तरह की बात करता है, उसके सामने उस जवाब देने के लिए बाध्य हो जाता है, इन सारे चीज़ों को जोड़ झाड़ करके तब उत्कृष्ट की श्रेणी तय करना। और इसीलिए वो कमेटी मैं बना रहा हूँ, वो कमेटी तमाम लोगों को इससे बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। हाँ मिलेगा, ऐसा लगेगा नहीं केवल हम जो इरिटेट होकर के आवेश में कोई बात कह जाते हैं केवल वही भर हमारे लिए ठीक नहीं है, उत्कृष्ट ऐसे लोग भी हो गए जो हमको लगता है कि उस तरह कभी इरिटेट नहीं हुए विधानसभा में, हो सकता है उन्हीं को मिल जाए, तो लगेगा ना कि नहीं, वो भी एक आधार हो सकता है, उस आधार से भी मिल सकता है। अच्छा, विधानसभा में एक चीज़ और देखी जाती है कि विधायक लोग सामान्य तौर पर अपना सवाल आ गया, अपने सवाल पर चर्चा हो गई, और जैसे जैसे प्रश्नकाल या ध्यान आकर्षण जो महत्वपूर्ण चीज़ें उनके खत्म होने के बाद जब बाकी विषयों पर चर्चा होती है तो संख्या काफ़ी कम हो जाती है। उसके दो कारण, एक तो ये कारण है कि जब बजट या विभाग की चर्चा आती है तो उसमें कामों का उल्लेख रहता है, प्रस्तावित कामों का उल्लेख रहता है, और जिस विधानसभा क्षेत्र के भीतर किसी काम का उल्लेख नहीं है तो पहला आधा मन तो उसका इसी में चला, क्योंकि दूसरे विधानसभा को सुनने के लिए विधायक क्यों बैठा रहे उसके मन में ऐसा लगता होगा, तो अब फिर उसको भाग भी नहीं लेना, उसका दलों के आधार पर जो सूची अपने पास आती है, जैसे किसी विभाग को अपने तय किया 3.5 घंटा देंगे, अब 3.5 घंटे में अनुपाती के आधार पर दलों से सूची मांगी किनको किनको बोलना, तो उनने दे दिया 15, इनने दे दिया 15, उनने दे दिया, या जो संख्या 18-15 कर दिया, अब 18 जो नाम आए हमको उसी में बुलाना, क्योंकि दल की तरफ सचेतक की तरफ से आया है, इधर भी जो आए उसी से बुलाना, तब जो 18-15-35 हो गए तो 35 के अलावा कौन बैठे, ना उसके विभाग की चर्चा होनी, ना उसको मौका मिलना, ऐसा करके उनके मन में आता होगा, इसको थोड़ा सा सुधार बने जरा सा करने का काम किया और उसका परिणाम बहुत सकारात्मक आया। पिछले सत्र में किसी विभाग पर चर्चा हो रही थी, बोला था PWD या कौन सा था, तो मैंने जब सूची देखी, जब बोल रहे थे लोग तो सूची देखी, उसमें मुझे लगा कि कई महत्वपूर्ण विधायकों का नाम इसमें नहीं है, तो मैंने बुला करके कुछ नाम 4-5 इधर से 4-5 उधर से अपनी तरफ अपनी जब सेट कर जोड़ दिया उसमें, और उनको इशारा करवा दिया वहाँ से अंदर से कि जाके वो बैठे रहेंगे, उनका नाम आएगा बोलने का, ठीक है अब आ गया, अब उनको खबर हो गई कि मेरा नाम आने वाला है तो काहे को जाए, नाम आने वाला है भले सूची में, पहले सूची में देख लेते हैं उसमें नाम नहीं है, तो उसका परिणाम निकला वो बैठे रहेंगे और बढ़िया बोले,
उनको भी दे दिया तीन तीन चार चार विधानसभा में। इसके बाद जब वो खत्म हो गया उसके बाद भी मंत्री जी जवाब के लिए खड़े होने के भाई आप बैठे रहिए, मैंने कहा कि और विधायक जो बोलना चाहते हो दो दो मिनट का मैं समय देता हूँ, आप बोल लीजिए अपने अपने क्षेत्र तक किसी भी तरह अपने क्षेत्र की मांगों को जोड़ने का काम करो। 18 से 20 लोगों को समय दे दिया तो उसका परिणाम ये निकला कि अब लोगों को ये लगेगा आम आदमी सदस्यों को कि हमारा नाम दल की तरफ से नहीं भी गया तो यदि हम बैठे रहेंगे तो हमको अवसर हमारे विधानसभा की बात कहने का मिल जाएगा, शायद वो सकारात्मक तरह से विचार करना यदि हमने किया है तो उसका उत्तर भी सकारात्मक ही आएगा। और पिछले उसमें सत्र में मार्च में उसी दिन बजट के दिन मैंने देखा कि तकरीबन 100 के आसपास शाम को 6 बजे हमारे विधायकों की उपस्थिति थी, तो हम क्यों नहीं रोचक बना सकते। अब ये हाजिरी लेकर के कई बार ये है कि हाजिरी साथ दोनों टाइम हो जाए दिन भर घंटे घंटे घंटे, ये सब नहीं करना। कोई स्टूडेंट थोड़ी आया है, वो हीरो है ना, विधानसभा जो हमारा अपने क्षेत्र का हीरो है उसकी कोई तुलना हो नहीं सकती है। कितने लोगों को कितना झंझावटों का सामना करते हुए आता है, विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर बहुत निर्भर करता है कि वो कितना रोचक बना पाते हैं विधानसभा की कार्रवाई को। हाँ वो भी है और उसमें उनका सहयोग, उनका सहयोग, उनका पार्टिसिपेशन बढ़ता जाएगा तो उनकी रुचि बढ़ती जाएगी, उनका सहयोग भी चाहिए। वो विधानसभा चलाना चाहते कि नहीं चलाना, क्योंकि हम तो चलाने का प्रयास करेंगे पर वो जिनको चलाना वही नहीं चलाएंगे तो अकेले हम क्या करेंगे। अच्छा जब विधायक बेल में आ जाते हैं गर्भगृह में आके हंगामा करने लगते हैं और भांति भांति के दृश्य कई बार देखने को मिलते हैं तो इसको रोका जा सकता है कि नहीं? नहीं वो आचरण में ही आएगा, मैं उसको दूसरी तरह से आपको भी अच्छा नहीं लगता होगा कि मार्शल का प्रयोग कर रहे हैं आप? नहीं, वो अपन प्रयास ही करेंगे नहीं करना, इसीलिए कई बार देखते हो जब ऐसा लगता है कि मार्शल की आवश्यकता हो तो विधानसभा स्थगित करके भीतर चले जाते हैं, नहीं करना मार्शल, अपना अपना उद्देश्य है कि मार्शल का प्रयोग किसी हालत में नहीं करना। ये थोड़ा सा इसको हमको ऐसा लगता है कि लोगों के मन में बेल में आना ऐसा मान लिया कि यही हमारा अस्त्र है, और जबकि मैं ऐसा कहता हूँ कि बेल में जाना अंतिम अस्त्र है, अंतिम अस्त्र के तौर पर बेल में जाना प्रयोग करो, पर अब तो हर बात पर बेल में आना हर बात उसका भी उसका भी महत्व घटता जा रहा है। आप बेल में आओगे अध्यक्ष छूट करके भीतर चला जाएगा, आप बेल में खड़े रहो। क्योंकि मुझे लगता है मैंने जितनी कार्रवाइयाँ देखी दो बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें होती थी, एक तो बहिर्गमन और दूसरा बेल में जाना, ये मुझे लगता है सबसे आखिरी अस्त्र है। हाँ नहीं बहिर्गमन तो मीडियम अस्त्र मानो, आप बहिर्गमन किसी बात से असहमत है मैं बहिर्गमन करके, बहिर्गमन मतलब कि कोई दिन भर का किया नहीं बाहर अलॉट किया है तो दूसरे 15 मिनट 5 मिनट बाद शामिल हो गए। ये बेल में आना पूरी विधानसभा को रोका जाना ये अंतिम अस्त्र है, अंतिम अस्त्र। इसमें कई बार प्रयास किया गया कि इस तरह को कोई कानून बने ये बने वो बने, उसमें सहमति नहीं है क्योंकि उसको अंतिम अस्त्र मानते ही हैं। आप क्या सोचते हैं होना क्या चाहिए कि इस तरह के हंगामे भी रुक जाएं और विधानसभा की जो कार्रवाई है वो भी निर्बाध चलती रहे? बेल में आना विधायक के जो अधिकार है उसको कटौती करना उचित नहीं होगा, परंतु हमको भी देखना है कि इस अधिकार का प्रयोग कम से कम हो, कम से कम हो या बहुत जायज हो तभी हो, मतलब रेयर रेयरस्ट ऑफ रेयर उसमें होना चाहिए। माने जब ऐसा कोई आ जाए कि अब कुछ नहीं बचा तब उसका प्रयोग करना, ऐसा यदि हमारे मन के भीतर दलों के भीतर सदस्यों के भीतर बात आ जाए तो उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। अभी आपके हाउस के अंदर बड़े बड़े नेता हैं, शिवराज सिंह साहब हैं, कमलनाथ जी बड़े नेता हैं कांग्रेस के, कैसा फील करते हैं सबके साथ आप? नहीं बढ़िया है, एक तो अनुभव है, कमलनाथ जी को बहुत बड़ा अनुभव है और शिवराज जी भाई हैं 15 साल 18 साल से मुख्यमंत्री भी हैं, सांसद भी रहे पांच बार सांसद, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी रहे तो संगठन का भी उनको चलाना, सांसद में रहे तो संसदीय कार्रवाइयों का ज्ञान भी जबरदस्त होना, फिर इसके बाद प्रशासन के मुखिया बने तो उसका भी ज्ञान होना। कमलनाथ जी भी लगातार मंत्री रहे, केंद्र में रहे, इतने सालों से सांसद रहे तो संसदीय ज्ञान उनको भी होना, और ऐसे विद्वानों के बीच में उससे अच्छा क्या हो सकता कि इनके बीच में बैठ करके मैं भी अपनी बात कहता हूँ और शायद वो मान जाते हैं मेरी बात को, तो ये मेरे लिए खुशी की बात है कि संसदीय ज्ञान के वालों के बीच में मैं भी हूँ एक आदमी। और उसके अलावा भी कई सदस्य, मैं तो बताऊँ वो पहले बार का जो मैं कह रहा हूँ, कई विधायकों को जब मैंने ये कहा कि देखो पहली बार का तुमको अवसर दे रहा हूँ तो किसी एक तो किसी की मदद नहीं लेना, किसी की मदद नहीं लेना, मैंने ऐसा कभी यार होता है कि हम अटक रहे हैं तो हमारा सीनियर मदद कर दे, मैंने कहा मदद अलाउ नहीं करूँगा और उनसे भी कहा सीनियर विधायकों से कोई मदद के लिए खड़ा नहीं होगा, मैं अलाउ नहीं करूँगा।
और मैंने देखा कि सदन के अंदर अपनी लड़ाई स्वयं लड़े। हाँ, वो स्वयं लड़े, कोई दिक्कत उसको आती है, मैं बैठा हूँ, मुझे बतावे ना, मैं मदद करूँगा। तो उसका मैंने देखा कि कई विधायक बहुत अच्छा बोले, बहुत बढ़िया प्रश्न किया, पूरक भी इतना बेहतरीन प्रश्न किया उन्होंने, सटीक तीखा वार किया उन्होंने, जिसका मतलब अध्ययन करके आए वो। और मैं यही चाहता हूँ कि जब विधायक विधानसभा में आवे प्रश्नों के लिए खड़ा हो तो उसका तथ्यात्मक अध्ययन बहुत जबरदस्त होना चाहिए, मटेरियल उसके पास होना चाहिए, तो जो भाषण की भूमिका होती है वो नहीं हो, क्योंकि सारा समय उसी में जाया होता। हमको कहनी एक बात कि ये सड़क यहाँ से यहाँ तक क्यों नहीं बनी, तो हमने शुरू किया भोपाल से, सड़क मांग रहे रीवा की, तो भोपाल से स्टार्ट किया छतरपुर होते हुए, तब तक वो इतना समय खींच जाता है कि प्रश्न का जो मूल भाव है वही समाप्त हो जाता है। और वो इस कारण से हो रहा है कि शायद वो सारे तथ्यों को अपन ने कलेक्ट नहीं किया। तो तथ्यों के आधार पर जब विधायक प्रश्न करता है तो सामने वाला मंत्री भी थोड़ा सा जवाब देने में अपने को असहज मानता है और उसको लगता है कि सटीक प्रश्न है, तथ्यों के आधार पर है, प्रमाणित। कई जैसे किसी सवाल को लेकर हम पूछ रहे हैं तो इतनी बड़ी हमारी लाइब्रेरी है, पुराने रिकॉर्ड निकालो ना, क्या क्या मंत्री ने जवाब दिया था, उस समय सरकार ने क्या जवाब दिया था, आज क्या जवाब दे रहे हैं, कई बार जवाब क्रॉस कर रहे हैं, पिछली बार के मंत्री ने कुछ जवाब दिया था, इस बार के मंत्री ने कोई दूसरा जवाब दिया, अब हमारे पास वो है ही नहीं पिछला वाला, यदि पिछला वाला हमारे पास हो तो ये मंत्री निरुत्तर हो जाएगा। तो ये जो तथ्यात्मक अध्ययन करके जो आएगा वही इसके लिए जरूरी है, पढ़ने की प्रवृत्ति, एक तो पढ़ने की प्रवृत्ति हो और रिकॉर्ड का कलेक्शन, तथ्यों का कलेक्शन। लाइब्रेरी बहुत शानदार है विधानसभा की, उसमें हर जानकारी हर चीज मिलती है, थोड़ा सा अध्ययन करने की जरूरत है। एक चीज और थी, मध्य प्रदेश में पहले एक मुख्यमंत्री प्रहर होता था, वो बाद में बंद कर दिया गया, जिनने शुरू किया था उन्होंने बंद किया, अब क्यों बंद किया मैं जानता नहीं, पर जहां शुरुआत हुई मुझे जहां तक जानकारी है कि दिग्विजय सिंह जी ने इसको शुरू किया, वो शायद लंदन गए थे तो जो प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर होता है, अवर होता है वहां, उसी को देख करके वो शायद उससे जिज्ञासु हुए होंगे। तो उन्होंने मुझे जो जानकारी बताई गई कि एक कमेटी बनाई, वो कमेटी वहाँ अध्ययन करने गई, आकर के उनको बताया, रिजल्ट सकारात्मक दिया होगा, उन्होंने शुरू किया पर आगे चल के बंद हो गई। ये तो चीफ मिनिस्टर पर ही है, तो मुख्यमंत्री यदि चाहता कि इस तरह का हो तो हो जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं, और उससे मुख्यमंत्री को भी एक तरह से ये कहना चाहिए कि अपनी बात कहने का या कुछ काम करने का एक अलग अवसर प्राप्त होता है, क्योंकि उसमें तत्कालिक होता है, कोई पहले से क्वेश्चन आवर्स रहता नहीं कि लिखा हुआ लिखा हुआ कोई सवाल, अधिकारी लिखित जवाब दे दिया उसी को पढ़ना, वो अपने जो उसकी जानकारी है मुख्यमंत्री को, अचानक कोई प्रश्न आया उसके जानकारी के हिसाब से उत्तर देना, उसकी जानकारी के आधार पर जो कुछ है वो आदेश करना, तो उससे बहुत सारे काम होते थे, इसमें दोहरा नहीं है, पर वो बंद क्यों हुआ ये अध्ययन मेरे पास नहीं है। एक चलते चलते एक सवाल और आपसे पूछना चाहता था, बहुत लोगों की डिमांड होती है, जैसे आप तो लोकसभा की कार्रवाई देखते हैं, राज्यसभा की कार्रवाई देखते हैं, ऐसी विधानसभा की कार्रवाइयाँ भी देखने को मिलें, वो बहुत दिन से विचार चल रहा है, यहाँ कोई मेरा नहीं, मेरे पहले से चल रहा, तो जैसे पहले ये आया कि कौन करेगा तो तय हो गया दूरदर्शन करेगा, अब दूरदर्शन का जब आया तो दूरदर्शन की आज पहुँच ही बहुत कम हो गई है, गाँव के भीतर बिल्कुल नहीं है, ये जब से आपका ये आ गए तमाम सेट बॉक्स वाले आ गए, लोकसभा की भी दूरदर्शन ही करता है, वहाँ से सारे लोग खुद की टीवी है, दिखा देते हैं, खुद की टीवी है तो सेट बॉक्स में आ गई उनकी, दूरदर्शन की पहुंच जो है वहाँ नहीं है गांव के भीतर, वो जो आजकल जो आपके सेट बॉक्स आए तो बाकी सब चलेगा, दूरदर्शन पर नहीं चलेगा, तो फिर इतना बड़ा इतना पैसा लगाने के बाद सब कुछ करने के बाद तो पहले तो ये तय हो कि वो प्रसारण जब हो तो पूरा लोग देख सके उसको, तो जब लोग देख सके तब उसका कोई महत्व है, पर इसमें भी अभी विचार चल ही रहा, क्योंकि आपने आपने कहा कि नेता और अभिनेता उसका दोनों पक्ष है, कई बार ऐसा लगेगा लोगों की हमारे अच्छा भी है, बुरा भी नाराज ना हो जाए, और कई बार लोगों को लगेगा अच्छा बढ़िया मौका है, जितना हम गाली दे सकेंगे शायद जनता उतने पसंद करेगी, गाली पे तो आप रोक लगाने ही जा रहे हैं, गाली दे इरिटेट होना, आक्रोशित होना, भावावेश में आना, क्रोधित होना, ये शायद जनता को ज्यादा पसंद आ, वो अपने मतदाता तक पहुंच बनाने के लिए ऐसा करते हैं, ऐसा कर सकते हैं। गिरीश गौतम साहब को आप सुन रहे थे और बहुत बेबाकी से उन्होंने एक एक चीज़ को बताया, और उनकी जो इच्छा है कि विधायक अध्ययन करके आएं, पूरी ताकत से आएं और अध्यक्ष उनका संरक्षण करने के लिए तैयार हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए, देखते रहिए दखन न्यूज़, नमस्कार। ऋषि, ये पंडित जी क्या बोल रहे हैं?
कह रहे हैं कि मुझे तुम्हें जिंदगी के सभी खतरों से बचाना है। फिर तो मेरी लाइफ खतरे में है, क्योंकि जो कॉकरोच से डर जाए वो मेरी क्या रक्षा करेगा। वेल, कॉकरोच छोड़कर तुम्हारी पूरी लाइफ एकदम सिक्योर है। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में। फॉरएवर वाले रिलेशनशिप से पहले LIC। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।